हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो ये वीडियो है ये एक तरीके से स्पेशल वीडियो है, क्योंकि हम आज इसमें चर्चा करेंगे हमारा जो सबसे पहला टेस्ट था, जो कि मैंने आपको सबको ऑलरेडी दे चुका हूं। जो हमारा टेस्ट वन था, मैं ग्रुप में भी और FB पेज पे भी और WhatsApp पे भी हर जगह मैं आपको शेयर कर चुका हूं। तो वो जो टेस्ट वन था उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी कोई बेटर अप्रोच क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। आप में से ज़्यादातर ने क्वेश्चंस करने की कोशिश की होगी, लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो कि आपसे न हो पाया हो, या इसके अलावा बाकी जिनसे क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। देख सकते हैं आप इसमें किसी भी क्वेश्चंस की बेटर अप्रोच क्या होंगी या कोई और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिक है तो वो, तो वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अगर किसी ने ना देखा हो तो वो यहाँ देख सकता है। एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हैं, ये टेस्ट वन था। इसमें टोटल जो है 7 क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, ये आप देख सकते हैं, देखिए। और ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, इसमें एरिया निकालना था, एक ट्रिग्नोमेट्री है, उसके नीचे फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से हम आपको जो है कोशिश करूंगा कि वीकली मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस दिया करूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, उनका सम जो है दोनों का वो 2011 है। ये कहता है कि यदि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1/3 से कम है तो ऐसा बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा। ये फंक्शन मैंने गलती से लिख दिया, यह फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन क्या हो सकता है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको स्पेशली बताऊँ। देखिए फ्रैक्शन क्या होगा, ए अगर नोमिनेटर ले लूँ तो डिनोमिनेटर सीधा सीधा 2011 - a हो जाएगा, लेस देन 1/3 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू वही देखिए आप, 3a इज लेस देन 2011 - a, तो a की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाती है, देखिए a इज लेस देन 2011 / 4, तो 2011 / 4 इज इक्वल टू होता है 502.75। और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमको निकालना है तो a की मैक्सिमम वैल्यू ही हमको लेनी होगी, तो a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, यहां से आप देख सकते हैं 502, इसलिए मैक्सिमम a इज इक्वल टू 502। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है हमारा 502a / 2011 - a, यानी 502 / 1509। सो मच इजी क्वेश्चन, बस इसी तरीके से आपको सोचना है, विचार करना है। अगले क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, आप बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा मेरे साथ। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या था। उसमें क्या था कि दो सर्कल्स यूनिट सर्कल्स थे, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और ये कहता है कि जो इंटरसेक्टिंग एरिया है इसके जो दोनों आउटर पार्ट्स हैं उनके सम के उसका बराबर एरिया है, तो इंटरसेक्टिंग एरिया कितना होगा ये हमें निकालना है। तो रेडियस 1 है दोनों की, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि इंटरसेक्टिंग एरिया है ये बीच वाला, मान लीजिए ये जो पार्ट है एक आउटर ए है तो दूसरा वाला भी ए होगा, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें। सर्किल अगर इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग एरिया चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो दोनों पार्ट इस तरीके से बनते हैं आउटर वाले ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों ए ले लिए और बीच वाला जो एरिया इंटरसेक्टिंग है वो मैंने बी ले लिया, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी इज इक्वल टू 2a, ओके, बी इज इक्वल टू 2a, तो मैं यहाँ b की प्लेस पे 2a कर देता हूँ। आप समझिए इस चीज़ को, मैं क्या करता हूँ b की जगह 2a लिख देता हूँ इसको काट के, ठीक है। अब एक सर्किल का एरिया कितना हुआ, 2a + a हुआ, यानी कि 3a इज इक्वल टू एक सर्किल का एरिया जो कि पाई इंटू 1² होगा इज इक्वल टू 3a होगा, ठीक। तो यहाँ से a इज इक्वल टू पाई बाई 3 सीधा सीधा हो गया, और इंटरसेक्टिंग एरिया है हमारा 2a, तो 2a इज इक्वल टू
2π/3। अगर समझ में ना आया हो वीडियो पॉज करें, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि कोई भी एक्यूट एंगल पी क्यू आर है, उसमें आर एक्स सॉरी पी एक्स उसमें एल्टीट्यूड है, पी क्यू क्यू आर और आर पी की उसमें लंबाइयाँ दी हुई हैं, आर एक्स माइनस क्यू एक्स निकालना है। तो मैं यहाँ एक ट्रेंगल सबसे पहले बना देता हूँ पी क्यू आर, साथ में पी एक्स। पी एक्स जो है एल्टीट्यूड है, तो हमें जो लेंथ है वो दी हुई है पी क्यू की 4π, पी आर का 4π+6, क्यू आर की हमें दी हुई है लेंथ 4π+3। तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल पी क्यू एक्स और पी आर एक्स में। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे जो है पहले में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्यू आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, इजिकल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। और पी आर है 4π+6 और पी क्यू है हमारा 4π, इनका स्क्वायर करके हम डिटेक्ट करेंगे तो ये आएगा 48π+36, और इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू आर एक्स माइनस क्यू एक्स। और हमें डिटरमाइन क्या करना है, आर एक्स माइनस क्यू एक्स। तो हम क्या करेंगे 48π+36 में आर एक्स प्लस क्यू एक्स ये जो है ना इसका डिवाइड कर देंगे, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। आर एक्स प्लस क्यू एक्स की लेंथ हमको पता है 4π+3, तो हमारा आंसर आ जाएगा, या फर्दर आप इसे देख सकते हैं 12 आ जाएगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। जी ट्रिकी क्वेश्चन था ये। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि दिल्ली की कोई रोड है, उस पर कोई स्पेशल टैक्सी सर्विस है जिसमें लगातार एक इंटरवल से, ये कोई स्पेशल इंटरवल है जिसमें टैक्सियाँ आती जाती रहती हैं इधर से उधर। कोई पैदल यात्री है जो रूट पे किस दिन चला, उसने देखा कि 12 मिनट में कोई टैक्सी उसको पीछे से कवर करती है और हर 4 मिनट में कोई आगे से आने वाली टैक्सी उसको क्रॉस करती है। तो ये कहता है कि जो टाइम इंटरवल है ना दो टैक्सियों के बीच में वो कितना है। तो मान लीजिए कि मैं आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सा बेसिक अप्रोच से बताता हूँ, देखिए उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। मान लीजिए कि जो टैक्सी है उसकी चाल टी है, जो पैदल चलने वाला है उसकी चाल मान लीजिए सी है, मैं लिख देता हूँ आपको याद रहेगा सी है। फर्दर हम मान लेते हैं कि जो दो टैक्सी हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, और हमें यही निकालना है कि डिस्टेंस डी को एक टैक्सी कितनी देर में कवर कर सकती है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी टी माइनस सी इज इक्वल टू डी बाई 12। ये वही है फॉर्मूला, दूरी बराबर समय गुणा चाल हुई, ठीक है। टी प्लस सी इज इक्वल टू डी अपॉन 4, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टैक्सी की जो चाल है वो मालूम हो जाएगी। जो टी है हमारा वो यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, सी कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास आया 1/12 प्लस 1/4 टू डी इज इक्वल टू डी बाई 6, और हमारा क्वेश्चन यही हो जाता है
हमें यही निकालना था कि डिस्टेंस डी को वो टैक्सी कितनी देर में कवर करती है, और आप देख सकते हैं 6 मिनट में कवर करती है, यानी कि जो टाइम इंटरवल होगा दो टैक्सियों के बीच में वो होगा 6 मिनट, 6 मिनट्स। तो ये तो बात हुई इसकी बेसिक अप्रोच की। मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप इस तरीके के सवालों को जब ये कंडीशन दी हुई हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको टी सी या डी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फॉर्मूला होता क्या है? वो होता है टू, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे टू की, टू मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 12 प्लस 4। याद रख लें कि जैसे कि ए और बी दो हमें टाइम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ इसमें 12 और 4 है, तो 2ab अपॉन ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है। तो इसको सीधे सीधे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये 16 हुआ, ये 4 2 तो यानी कि 2 टाइम्स, और ये 12 बाई 2 इज टू 6 मिनट्स। तो ये जी क्वेश्चन था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ सर्कल इसमें दिया हुआ है, ये यूनिट सर्कल है, और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, जो एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि ये जो रेगुलर हेक्सागन इसके अंदर बनता है इंटरसेक्टिंग, तो उसी का एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट सर्किल होता क्या है। यूनिट सर्किल हो यानी कि जिस सर्किल की रेडियस 1 हो, यहाँ ओ एम या ओ एन जो हैं इनकी ये लेंथ जो है इनकी ये 1 होंगी। तो यहाँ ये जो हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, इसी का एरिया हमको निकालना है। ये रेगुलर हेक्सागन है, ये दिया हुआ है, एम एन तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इसे ट्रायंगल मैंने एम एन पी लिख लिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ओ एम और ओ एन दोनों 1 हैं, ठीक, ओ एम और ओ एन इजिकल टू 1 है, और ये तो आपको पता ही है कि जो एंगल ओ है वो 120 है, इसलिए जो एम एन है उसकी लेंथ जो है स्क्वायर रूट 3 हो जाएगी। क्योंकि एम सी सी डी और डी एन ये बराबर लेंथ की हैं, इसलिए एम सी की लेंथ 1/√3। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है तो सबसे पहले मैं एम पी एन का एरिया निकाल लूँगा, उसके बाद जो 3 छोटे छोटे त्रिभुज हैं उनका एरिया निकाल के उसे जो है सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो पी एम एन का जो एरिया होगा वो होगा 3/4 इंटू एम एन का स्क्वायर यानी 3। ठीक, ये तो टोटल पी एम एन का एरिया हमारे पास आ गया। अब रेगुलर हेक्सागन के लिए ये जो मैंने यहाँ शेडेड कर रहा हूँ, ये 3 छोटे छोटे ट्रायंगल, इनके एरिया आपस में बराबर हैं तीनों के, इनका टोटल एरिया मैं इसमें से पी एम एन में से घटा दूंगा तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये होगा 3 × √3/4 इंटू 1/3, 1/3 आया सी एम का स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड से बराबर होंगी, तो ये इक्वल टू हो गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उसमें से तीसरे वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको पहले में से दूसरे वाले को, तो हमारे पास बचेगा √3/4 3 − 1, यानी कि सीधा सीधा √3/2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस ये है कि आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं किसी क्वेश्चन का। तो आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तब तक मैं आपको बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन था, 10 − 9 − 10 = 27 − 10 = 63 + 10 = 81, इसकी वैल्यू जो है वो हमको निकालनी है। तो इसे थोड़ा सा हम देखिए, 1063 को हम लिख सकते हैं cot 27, 1081 को भी हम जो है cot 9 लिख सकते हैं। अब इसे जो है मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज
यानी कि 10-9 प्लस कोट 9 और इसी तरीके से 10-27 प्लस कोट 27। थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दूर गए तो सवाल आपसे, सवाल का सॉल्यूशन आपसे उससे चार गुना दूर चला जाएगा। तो 10-9 प्लस कोट 9 को हम साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन लिख देंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन 9 इंटू कॉस 9 बचेगा और नोमिनेटर में हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि 1। सेम इसी तरीके से 1 बाई साइन 27 इंटू कॉस 27, ठीक है। फर्दर ये 2 बाई साइन 18 हो गया माइनस 2 बाई साइन 54। अब आगे चाहें तो आप सीधे सीधे साइन 18 साइन 54 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं या इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वो साइन 54 माइनस साइन 18 साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले। लेकिन यहाँ मैं सीधा सीधा इनकी वैल्यू रख देता हूँ। देखिए साइन 18 और साइन 54 की वैल्यू मैं अपनी पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की जो थी उनमें बता चुका हूँ, तो ये वैल्यूज ये होती हैं। फर्दर आप यहाँ से देखेंगे तो 8 ब्रेकेट में आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 तो यहाँ से देखेंगे कि 8 इंटू 2 आएगा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 2 बाई 4 तो हमारा आंसर आ गया 4। ओके ये 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं और एक लास्ट क्वेश्चन और था। ये कहता है कि किसी त्रिभुज में जो एल्टीट्यूड्स हैं वो दिए हुए हैं 544, तो हमें BC की जो लेंथ है वो निकालनी है। तो लेंथ निकल जाएगी, इट्स नॉट ए बिग इशू। हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना होगा क्योंकि एरिया इज इक्वल टू BC इंटू AM बाई 2, वो फार्मूला मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया। तो हम इसका सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं कि अगर हमें एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं तो एरिया कैसे निकालें। मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं। देखिए तो हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ 1/5 + 1/4 + 1/4 उसी तरीके से ऑल्टरनेट माइनस लगेगा, वन बाई फाइव माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, सिमिलरली 1/5 + 1/4 - 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, ये 7/10 होगा, ये 3/10 होगा और नीचे वाले दोनों 1/5 1/5 इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 21/50। इसलिए जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया जो है वो होगा 50/√21। और इज इक्वल टू एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू AM इंटू BC। BC हमें निकालना है, AM हमको पता है जो कि 5 है, तो BC इज इक्वल टू 50/√21 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 इज इक्वल टू 20/√21। ये लेंथ है BC की। नाइस क्वेश्चन, सारे प्रश्न अच्छे थे। अब आप वीडियो फिर से देख लें, किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वेट करें हमारे नेक्स्ट टेस्ट का, जो दो तीन दिन में मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के बारे में हमको लिखें, हमारे चैनल को शेयर करें अधिक से अधिक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स का फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।